हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉकिंग थिंग्स के बारे में जो हो सकती है ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। दोस्तों, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल बस एक दिन दूर है और हमें बहुत सारा मजा आने वाला है, प्लस बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आप सब ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल लाइव देख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो सोनी 101 या फिर सोनी 101 HD पर देखें, और अगर हिंदी में देखना है तो सोनी 103 या फिर सोनी 103 HD पर देखिए 9:30 PM को फ्राइडे। दोस्तों, इस इवेंट में बहुत सारे मैचेस हैं जो एकदम शॉकिंग होने वाले हैं, पर उनमें से दो मैचेस बहुत बड़े शो स्टीलर बनने वाले हैं। फर्स्ट 50-man ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल एंड सेकेंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस इन अ स्टील केज मैच। तो मैं आपको बताऊंगा शॉकिंग चीजें जो हो सकती है इन दो बड़े मैचेस में। दोस्तों, 50-man ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल फर्स्ट टाइम होगा इन WWE हिस्ट्री, और WWE इसे स्पेशल जरूर बनाएंगे बहुत सारे लेजेंड्स को बुलाकर। और इस रंबल के विनर को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं, बल्कि एक बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि WWE ये रॉयल रंबल एक लेजेंड या फिर वेटरन को जिता सकते हैं। और इस रॉयल रंबल को जीतने वाले वेटरन हो सकते हैं बिग शो, रे मिस्टेरियो, ग्रेट खली, हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी या फिर क्रिस जेरिको। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच एकदम शो स्टीलिंग होने वाला है और हमें बहुत सारे ब्रूटल मूवमेंट्स देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि ये मैच होगा एक स्टील केज मैच। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ने ही स्टील केज मैच में कम्पीट किया है, और वो दोनों जानते हैं कि स्टील केज मैच कितने खतरनाक होते हैं, और उनकी ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की मैच बहुत खतरनाक होगी, उनके रेसलमेनिया 34 की मैच की तरह या फिर उससे भी डेंजरस। सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस के मैक्सिमम फैन होने की वजह से उन्हें डोमिनेंट पुश मिलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है अनलाइक रेसलमेनिया 34 की रोमन रेंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे इस मैच में। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी मैच है अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो फिर दोस्तों, WWE इस मैच के एंडिंग से फ्यूचर स्टोरी लाइन जरूर बनाएंगे, और बड़ी पॉसिबिलिटी ये होगी कि जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को एकदम से तोड़ देंगे और केज से निकलने के लिए डोर की तरफ जाएंगे, तभी या तो पॉल हेमन या फिर बॉबी लैशली वो डोर ब्रॉक लेसनर को मार देंगे। और दोस्तों, अगर बॉबी लैशली होते हैं तो वो रिंग में जाकर ब्रॉक लेसनर को अपना फिनिशर भी दे सकते हैं। और दोस्तों, वैसे भी स्टील केज मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ही होता है, तो रोमन रेंस डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे। और फिर रोमन रेंस एक कमजोर ब्रॉक लेसनर को मल्टीपल सुपरमैन पंच एंड स्पीयर देकर ये मैच जीत जाएंगे और बन जाएंगे आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और दोस्तों, फिर इसी तरह ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की फ्यूड शुरू हो जाएगी फॉर समर स्लैम, और फिर रोमन रेंस फ्यूड करेंगे टॉप रॉ सुपरस्टार से फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि रोमन रेंस की मैच ऑलरेडी बुक्ड है समोआ जो के खिलाफ एट बैकलैश पेपरव्यू, तो वो मैच एक चैंपियनशिप मैच हो सकती है अगर ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने हरा दिया और वो बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको वार्न कर दूं, आपको अलर्ट कर दूं कि विंस मैकमैन इस मैच में लास्ट मिनट चेंजेस कर सकते हैं, जैसे उन्होंने रेसलमेनिया 34 में की थी। तो आप सभी अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहिए। पर दोस्तों, मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि ये पेपर व्यू एकदम ढांसू होने वाला है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 50-man ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल और स्टील केज मैच भी। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।